हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला इलस्ट्रेशन है ये वाला। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? और मैं इसका सॉल्यूशन अभी डिस्कस करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज जीरो, मतलब सम जीरो दे रखा है, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा रूट्स का, ये होगा, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? मतलब प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा हमारा। हम जो जो स्टेप्स दिए हैं उसको करते जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, तो पहले हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तब तो हम क्वाड्रेटिक की तरह डील करेंगे। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, इसमें एलसीएम लिया। तो मैं इसका स्टार्ट करता हूं, वन अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय सी, दिस इज अ गिवन इक्वेशन। फिर मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज गिवन एज वन बाय सी, ठीक है? एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय सी, करेक्ट। अब फर्दर मैंने क्या किया, इसी को इससे इधर लेके आया, तो सी इंटू टू एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, ये उस साइड गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ओपन कर दिया, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स आएगा, तो एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी। अब मैंने क्या किया, सारे टर्म्स को आर एच एस में लेके गया या फिर सारे टर्म्स को एल एच एस में लेके गया और क्वाड्रेटिक बनाया एक्स में। तो लेट से मैं इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जा रहा हूँ, तो आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स, ये इधर कोफिशियंट हमारा ए प्लस बी है, ए प्लस बी, और इधर से माइनस टू सी आएगा, सॉरी हाँ, एक्स का कोफिशियंट माइनस टू सी आएगा, तो माइनस टू सी, एक मिनट, हाँ क्लियर है, तो सही है, प्लस ए बी, और इधर से माइनस सी टाइम्स ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका जो रूट है, लेट्स से मैंने माना अल्फा और बीटा, ठीक है? तो उसमें क्या दिया है कि इन दोनों का सम इज जीरो। तो अब हम एक बार साइड में लिख लेते हैं कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती है और इसके रूट अगर अल्फा और बीटा होते हैं, तो हम सम ऑफ रूट क्या लिखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशियंट मतलब बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या लिखते हैं, सी बाय ए, कॉन्स्टेंट पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो इधर मैं सम ऑफ रूट क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ, देखना एक्स का कोफिशियंट व्हिच हियर इट इज ए प्लस बी माइनस टू सी अपॉन ए, ए हियर इज एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट व्हिच इज वन, तो अपॉन वन, दिस इज गिवन एज जीरो। क्या दिया है, सम, सम ऑफ रूट्स is equal to this is given as zero. तो इससे हमारी इक्वेशन क्या आई, टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, ए बी सी में एक रिलेशन मिल गया हमें, लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रोडक्ट, प्रूव करना है कि प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो मैं पहले प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉन्स्टेंट पार्ट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट पार्ट इधर क्या है, ए बी माइनस सी टाइम्स ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच हियर इट इज वन, ये आया हमारा, एक बार देख लेते हैं हम, हाँ ठीक है, करेक्ट है। चलो अब मैं इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें पहले ध्यान से देखो, उसमें सी कहीं नहीं है, मतलब इट इज इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो जो मेरा प्रोडक्ट है उधर मैं सी एलिमिनेट कर देता हूँ, तो सी कैसे एलिमिनेट करूंगा, मेरे पास एक ऑलरेडी रिलेशन है सी में, सी इज वॉट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू, सी ए प्लस बी बाई टू, तो ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इधर रख दी, ठीक है? तो उधर जगह नहीं है तो मैं क्वेश्चन रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो। देखो क्या हो गया हमारा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी माइनस, अब सी क्या लिखूंगा, ए प्लस बी बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू, और इधर हमारा ऑलरेडी एक ए प्लस बी दिया है, दिस इज ए प्लस बी। फिर मैंने एलसीएम लिया, तो टू ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो गया, मैंने इसको ओपन किया, तो टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन टू, तो ये टू ए बी से ये टू ए बी कैंसिल, मुझे फाइनल लेना माइनस हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज दिस। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है बट बोल सकते प्रोसीजरल है, ठीक है? थोड़ा सा स्टेप्स बड़े हैं बट प्रोसीजरल है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं हुआ, केवल हमें याद क्या रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख लो, इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, सम ऑफ इस पर्टिकुलर के लिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए ऐसे लिख लो। एक काम करता हूँ मैं, इस पार्ट को रब कर देता हूँ फिर लिख लेता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैं नीचे वाला पार्ट मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, जैसे उधर तो हमने क्या लिखा था, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी बाय ए को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ इसको नोट करके लिख लो, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस नहीं आएगा इधर, कोफिशियंट कॉन्स्टेंट टर्म है वो, तो वो सी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, तो इस क्वाड्रेटिक के हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये माइनस बी बाय ए और ये हो गया हमारा सी बाय ए। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो आप वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन लिखने के लिए मैं इसको स्पेस क्रिएट करता हूँ, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इफ एग्जांपल है हमारा, इफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा आर वी द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स दे रखे हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए सी। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो पॉज करो और तुम लोग इसको कॉपी करो, वीडियो पॉज करो के कॉपी करके और खुद अटेम्प्ट करो, मैं इसका डिस्कशन अब लेता हूं सॉल्यूशन का, ठीक है। चलो तो हम डिस्कशन ले रहे हैं, खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा सीखने मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो अब उसने क्या दे रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, तो मैं पहले क्वाड्रेटिक लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। और मुझे प्रूफ करना है एबीसी में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं, इसको करने के भी कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि साइन थीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो तुम साइन थीटा इसमें रखो, फिर कॉस थीटा इसका रूट है कॉस थीटा भी इसमें रखो, और फिर जो दो इक्वेशन आए तुम्हारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा में, उसमें थीटा एलिमिनेट करो, क्या करो उसमें थीटा एलिमिनेट करो। वैसे तुम लोग को ट्राई करना है, मैं इसका अलग मेथड बता रहा हूँ, क्या बोला मैंने, तुम लोग क्या करोगे, एक मेथड ऑल्टरनेट मेथड, साइन थीटा इसमें रखोगे, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा इज प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और कॉस थीटा रखूंगा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारी इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन टू। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से तुम्हें क्या करना है, इतना ही तुम्हारा टास्क है, थोड़ा दिमाग लगाना, यू हैव टू एलिमिनेट थीटा, मतलब थीटा से थीटा एलिमिनेट कर दो तो तुम्हारा जो एबीसी में रिलेशन आएगा वो यही आएगा, ठीक है। दिस इज मेथड वन। अब मैं दूसरा मेथड ऑल्टरनेट मेथड डिस्कस कर रहा हूं, मेथड टू, ठीक है। अच्छा चलो अब क्या करें, हम देखना, मुझे एक फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो मैं चीज लगा रहा हूं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये देख आइडेंटिटी हो गई, इट इज ट्रू फॉर ऑल साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, बिकॉज मुझे इधर यूज करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट्स हैं तो मैं इससे क्या इंफॉर्मेशन डिडक्ट कर सकता हूं, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू सी बाय। समझ में आया? अब ये दोनों चीज मैं डायरेक्टली इधर रख दूंगा। देखो ये वाला तो एक आइडेंटिटी हो गया अपने आप में, दिस पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बाय ए इधर रख देंगे,
और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी बाय इधर रख देंगे, तो जो पूरी इक्वेशन आएगी उसमें थीटा कहीं दिखेगा नहीं, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा एबीसी में और वही रिलेशन ये आने वाला है। चल रखते हैं हम, तो मैंने रखा माइनस बी बाय, इसमें रखूंगा तो माइनस बी बाय ए का स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सी बाय। अब क्या करो तुम, चलो पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ए तो कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा टू सी इंटू ए, तो टू सी ए। अब देखो जो हमें प्रूव करना था वो यही है, कितना आसानी से आ गया हमारा, कितना लाइन, केवल दो ही लाइन लगी हमें, दो ही स्टेप लगे। क्रिटिकल स्टेप क्या था, दिस वॉज अवर क्रिटिकल स्टेप, मेन स्टेप, मेन स्टेप ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। और मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कीपिंग इन माइंड कि मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करना है। क्लियर हुआ बच्चों, तो मेरा एक रिलेशन आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इसको भी तुम कैसे करोगे, जैसे मैं इंट दे देता हूँ, एक बार इन दोनों को ऐड करोगे तो ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, इधर आ जाएगा बी टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है तो क्या करो, बाकी टर्म्स को उधर ले जाके स्क्वायर करके ट्राई करना, आएगा तुम्हारा आंसर। नहीं तो क्या कर सकते, एक चीज और, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू उधर से इधर उठा के रखो, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है ना, और अपना सॉल्यूशन भी मुझे सेंड कर देना, आई विल वेरीफाई इट कैसे किया तुम लोगों ने, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। आज की क्लास में हम सारे इलस्ट्रेशंस ही देखने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड दिस विल बी अवर थर्ड लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इज माइनस वन, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, और फिर नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसका। सॉल्यूशन क्या दिया उसने, कि सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस वन। तो पहले इक्वेशन लिख लिया मैंने, इक्वेशन क्या हमारा, ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स लेट से अल्फा और बीटा है, तो उसने इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सम ऑफ रूट इज जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट व्हिच हियर इट इज टू ए प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच हियर इट इज ए प्लस वन, ये उसने दिया है, सम ऑफ रूट इज माइनस वन। तो इससे मुझे क्या होगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, टू ए प्लस थ्री इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू वन माइनस थ्री माइनस टू, तो a का वैल्यू आ गया हमारा माइनस टू। क्या इंफॉर्मेशन यूज की हमने, सम ऑफ रूट इज माइनस वन। अब बहुत आसान हो गया, अब क्या करें, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इस इक्वेशन से लिख लेते हैं, दैट इज c बाय a कॉन्स्टेंट पार्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज कॉन्स्टेंट पार्ट विच हियर इट इज थ्री ए प्लस फोर, थ्री ए प्लस फोर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच हियर इट इज ए प्लस वन। अब क्या करूं मैं, ए की वैल्यू जो मेरी आई थी वो उठा के मैं इधर रख देता हूं, तो ए की वैल्यू माइनस टू रखूंगा तो क्या होगा, थ्री इंटू माइनस टू प्लस फोर अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया फोर माइनस सिक्स माइनस टू, और वन माइनस टू इज माइनस वन, तो फाइनली यू गेट टू। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब मेरा सम ऑफ रूट माइनस वन दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी ए की वैल्यू आई, वो ए की वैल्यू मैंने इधर रखी, तो आई विल गेट प्रोडक्ट ऑफ द रूट एज टू।
ठीक है ना। अभी तक जो भी हमने तीनों क्वेश्चन देखे दैट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये इसलिए दिया जिससे तुम एकदम दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, ये सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाय। क्लियर है बच्चों? चलो तो अगेन वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए कॉन्स्टेंट है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बार देख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 is twice as large as other। ठीक है ना। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है वैसे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखना उसने क्या देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। तो पहले मैंने क्वाड्रेटिक लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसने बोला है कि इसका एक रूट दूसरे से ट्वाइस है, तो अगर मान लो मैंने इसका एक रूट अल्फा बोला तो व्हाट इज अदर रूट, जस्ट थिंक इट, इस लैंग्वेज के हिसाब से वन रूट इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा विल बी टू अल्फा। दो रूट पता चल गया मुझे, एक अल्फा है और एक टू अल्फा है। अब मैं क्या करूं, अब मैं यूज करूंगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कैसे, देखो पहले मैंने लिखा सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस अदर रूट इज टू अल्फा, सम ऑफ रूट क्या होगा हमारा, माइनस टाइम्स एक्स का कोएफिशिएंट व्हिच हियर इट इज 3a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच हियर इट इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो इधर से मुझे a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी मिली, देखो अल्फा प्लस टू अल्फा थ्री अल्फा होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/3, 3 इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/3 टाइम्स 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। क्लियर है? अच्छा अभी तो मेरी a अल्फा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a। अब मैं दूसरी इंफॉर्मेशन क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू दूसरा रूट क्या है 2α, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पार्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है 2 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो इधर से मेरी आई 2, चलो इधर लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज 2α² इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मैं 2 हटा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। दूसरी क्वेश्चन मेरी ये आ गई, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, तो हमें ए में इक्वेशन मिल जाएगी, उससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू यहाँ उठा के रख रहा हूँ, तो देखो क्या होगा हमारा, इधर रखूंगा तो इस पूरे का स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि इधर अल्फा स्क्वायर लिखा है, तो 3a, अच्छा माइनस का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इधर हमें इस साइड मिलेगा 3a माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इसका स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। क्लियर है? चलो अब मैंने क्या किया, ये स्क्वायर से ये वाला फैक्टर कैंसिल किया एक, अब मेरा क्या आया, देखो इधर मैं इधर लिख लेता हूं, दिस इंप्लाइज 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6a
माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू, इस साइड क्या बनेगा, नाइन इंटू ए स्क्वायर, नाइन ए स्क्वायर, नाइन ए स्क्वायर, फिर नाइन फाइव जा 45, तो माइनस 45 ए, और नाइन थ्री जा 27, प्लस 27, तो ये 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल। अच्छा ये 45 इधर आएगा, तो 45 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 45 माइनस 6 39, तो ये हो गया 39a इज इक्वल टू 27 माइनस 1 26, अभी 13 से जा रहा है, a इज इक्वल टू ये 13 से 2 बार जाएगा और 39 3 टाइम, तो आंसर क्या हो गया हमारा, a का वैल्यू इज 2/3, a का वैल्यू इज 2/3। क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या किया हमने, सबसे पहले उसने दे रखा था एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो एक अल्फा माना तो दूसरा टू अल्फा आया, फिर हमने एक इक्वेशन लिखी सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी बाय ए, उससे हमारे अल्फा और ए में एक रिलेशन आया, फिर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो अल्फा इंटू टू अल्फा इज टू अल्फा स्क्वायर, उससे भी मेरा अल्फा और ए में एक रिलेशन आ गया, इन दोनों से मैंने क्या किया सिंपली अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, उससे मेरी एक ए में इक्वेशन बन गई, उससे मेरी ए की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, तो चलो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, दिस विल बी आवर फिफ्थ, सॉल्व the equation x square plus px plus 45 is equal to 0. It is given that ये दिया है कि it is given that the squared difference स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 144, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, चलो तो उसने क्या दिया है, हमें एक इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यूज निकालनी है, बट इधर देखो ध्यान से, p एक पैरामीटर दिया है इसमें p, तो उसकी वैल्यू तो पता नहीं, तो अभी तो मैं इसकी रूट नहीं निकाल सकता, इसका मतलब पहले मुझे p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा एक बार p की वैल्यू आ गई तो फिर रूट निकाल देंगे, हमारा वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माय अल्टीमेट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p निकालने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस क्या होगा हमारा, अगर रूट्स मैंने बोला अल्फा और बीटा है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, उसने बोला है स्क्वायर्ड ऑफ डिफरेंस, इस डिफरेंस का स्क्वायर इसको दे रखा है, इट इज 144, तो दिस इंफॉर्मेशन आई विल यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एक बार पी आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई, फिर तो रूट्स निकाल ही लेंगे हम। क्लियर है बच्चों, तो इस इक्वेशन की मदद से मैं पी निकालने जा रहा हूं, तो देखना अगेन इसको भी हम दो एक तरीके से कर सकते हैं, एक तो अगर हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है डिफरेंस ऑफ रूट्स का, दैट इज रूट डी बाय ए, वो लगा दो तुम डायरेक्टली इधर, या फिर इसको हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं एलएचएस को, सो दैट आई कैन यूज सम ऑफ रूट इज माइनस पी माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 45, वो चीज मैं यूज कर लूंगा। अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली तुम क्या लिखो इसको, मेथड वन डायरेक्टली तुम लिखोगे इसको रूट डी बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और मेथड टू क्या बोलूंगा मैं, मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं डिफरेंस ऑफ रूट का, भले इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया, एक मिनट के लिए हम कंफ्यूज हो गए मान लिया, तो हम क्या करेंगे इसको इसको अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर है ना, इसको आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कैसे लिखूंगा देखो, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, देखो इधर से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, इधर ही वही आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये मेरा क्या गिवन है 144, तो इधर से मेरा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना हो गया माइनस पी का स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 45, दिस इज गिवन एज 144, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 4 90 का डबल 180, तो 180 प्लस 144 This is
180। तो ये आ गया हमारा 200 ऐड किया तो 344 324। तो पी की वैल्यू देखो इधर से क्या है, हमें जल्दी जल्दी में केवल 18 नहीं लिखना है, इट इज प्लस माइनस 18, नहीं तो तुम आंसर मिस कर दोगे, पार्शियली आएगा तुम्हारा आंसर। पी स्क्वायर की वैल्यू 324 है, इसका मतलब पी प्लस माइनस 18। बहुत से लोग जल्दी जल्दी बच्चे लोग क्या गड़बड़ करते हैं, माइनस 18 भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो फाइनली आई विल गेट टू वैल्यूज ऑफ पी। तो पहले फॉर पी इज इक्वल टू, मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, फॉर पी इज इक्वल टू 18 मेरी इक्वेशन क्या है, मनी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स मतलब प्लस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। और एक मेरा फॉर पी इज इक्वल टू माइनस 18 मेरी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो मेरी इक्वेशन आ गए, लेकिन उसने बोला क्या था, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब तो वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इधर से तुम्हारी दो वैल्यूज आएंगी, सिमिलरली इधर से तुम्हारी दो वैल्यूज आएंगी, तो ओवरऑल देयर विल बी फोर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब मैं तो ऑब्जर्वेशन से निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, आई विल यूज ऑब्जर्वेशन दैट इज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तुम प्रॉपर मेथड से निकालो, इसको क्या लिखोगे, माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करो। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, देखो प्रोडक्ट अगर माइनस 8 सम माइनस 18 है, प्रोडक्ट 45 है, 45 का फैक्टराइज करेंगे तो 15 इंटू 3 आता है, और उन दोनों का सम क्या आता है, 18 आता है, मतलब दोनों को अगर माइनस माइनस लूंगा तो मैं सम इज माइनस 18, तो मैंने बोला माइनस 15 एंड माइनस 3 करके देख लो, ऐड करोगे तो कितना आया, सम ऑफ रूट इज माइनस 18 तो माइनस बी बाय माइनस 18, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 45 तो 45, तो हेंस रूट्स आर माइनस 3 एंड 15। सिमिलरली अब इधर का क्लिक कर गया होगा, इधर सम ऑफ रूट क्या 18, प्रोडक्ट तो अभी भी 45 है, तो अगेन मैं क्या करूँ, इधर 15 ले लेता हूँ और एक 3 ले लेता हूँ। ये वैसे डायरेक्ट तुम कैसे फॉर्मूले से निकालना, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऑब्जर्वेशन से अगर नहीं क्लिक करे तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला। तो 15 प्लस 3 18, सम ऑफ रूट इज 18, 15 इंटू 3 45, प्रोडक्ट इज 45। तो फाइनली माई आंसर इज प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 15। तो टोटल 4 एक्स की वैल्यूज है, ऐसा अगर बोले नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आएगा तो नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 4। ऐसे भी दे सकता है, इंस्टेड ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट में कैसे बना सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, 4, 6, 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसे एक्स है और वो एक्स है क्या, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 15। क्लियर है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। पहले एक नोट लिख लेता हूं मैं उसको क्वेश्चन कराने के पहले, जैसे मैंने बोला कि अब मैंने बोला कि अल्फा अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी नोट लिखवाया था कि अगर मान लो मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अगर अल्फा है, अगर इसका रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा 100%। ये तो मैंने उस दिन कल तुम्हें नोट लिखवाया था लास्ट क्लास में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक की जगह अगर कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, nth डिग्री का जनरलाइज लिख लेते हैं हम, मैंने बोला इफ अल्फा इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल, चलो मैं nth डिग्री का लिख रहा हूँ, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन डेट डेट डैश, इधर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। मैं बोल रहा हूं इसका रूट एक अल्फा है, क्या लिखा, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तब क्या होगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। और रूट की डेफिनेशन भी तो वही होती है, रूट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जो मैं एक्सप्रेशन में रखूं तो मेरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट ए एन अल्फा की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस ए वन अल्फा प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन विल बी ट्रू कब, जब अल्फा इज पॉलिनोमियल का रूट है। क्लियर है, तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को लिख लो, अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या विद पॉलिनोमियल छोड़ो, अगर मान लो किसी भी इक्वेशन का अगर रूट है कोई, लेट्स से अल्फा इज रूट ऑफ सम इक्वेशन, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, बस इतनी सी बात है। क्लियर है बच्चों, चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसके ऊपर।
क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन लिखो, मैं उससे पहले इसको रब कर देता हूं। तुम लोग कॉपी करना है इसको, ठीक है? हर एक पॉइंट को कॉपी करना है नोट्स में। रफ वर्क के लिए अलग नोट्स नहीं बनाने, जो नोट्स चल रहे हैं तुम्हारे मैथ्स के उसी में तुम्हें रफ वर्क भी करना है। डोंट मेक अ सेपरेट बुक फॉर रफ वर्क, ठीक है? चलो अब देखना, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, देन फाइंड वैल्यू ऑफ b। हम इसका डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब सुनना मैं क्या बोला। सबसे पहली बात, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ज्यादा सीखने मिलेगा, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। और मैं आज का डिस्कशन करता हूँ सॉल्यूशन का भी। तो क्या बोला उसने कि x is equal to 1 and 2 are the roots of this equation, are the solution of this equation। सॉल्यूशन मतलब roots, सॉल्यूशन है मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि अगर मुझे अल्फा किसी इक्वेशन का रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब 1 मेरे को इसमें रखने पे सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन बना ले, हम क्या लिखे, 1 इसमें रखा, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मुझे ये मिली। फिर उसने क्या बोला है, x इज इक्वल टू 2 भी इसका रूट है, मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 का क्यूब विच इज 8 प्लस 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। और एक रिलेशन उसने ऑलरेडी दे रखा है कि a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया हमारे पास, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं। तो यू हैव टू सॉल्व इट। अब सॉल्व कैसे करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, देखना क्या किया हमने इसको करने के लिए। एक काम कर सकते हैं हम, पहले तो इन a प्लस बी की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो हमें c आ गया। पहले a प्लस बी की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2, तो c प्लस 2 0, तो c कितना आया हमारा, c कितना आया, c इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, c इज इक्वल टू माइनस 2 मैंने इसमें रख दिया, ठीक है, c इज इक्वल टू माइनस 2 इसमें रख दिया। तो ये इक्वेशन क्या बनी, 8 प्लस 4a प्लस 2b और c की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर से मेरा 8 माइनस 2 मैं इधर ही चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना 8 माइनस 2 इज 6, तो इधर 6। अब मैं इसको इसमें से 2 कॉमन लेके 0 के पास भेज रहा हूँ, तो ये 3 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या किया मैंने, लेट्स से इसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोल रहा हूँ। अब थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, या फिर ऐसे करो b की वैल्यू उठा के इधर रख दो, नहीं तो ए की वैल्यू रख दो, डायरेक्टली बी पूछा ना, ये तो पूछा नहीं है, हमें बी की बी चाहिए, तो क्या करो ए की वैल्यू उठा के रख दो। तो इधर से मेरा ए क्या रखूंगा मैं, ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी इधर उठा के रखूंगा, तो 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, एयर इज 1 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b हमारा कितना है 5। अगर मान लो ए भी पूछे तो ए इधर रख दो, बी की वैल्यू 5 इधर रखोगे तो 1 माइनस 5 ए इज माइनस 4, a is equal to minus 4, और c हमने पहले ही निकाला था, c is equal to minus 2, तो तीनों constant की value आ गई, और आना भी चाहिए, हमारे पास तीन equations थी, तीन variables थे, तो we have to solve it। ये तो हम 9th 10th में भी करते हैं, number of, जैसे दो equations, दो variables दिए हैं, तो हम eliminate करके हमें उन दोनों की equation निकाल, उन दोनों की values निकालनी पड़ती variables की, जैसे हमारे instead of 2, तीन variables थे, तीन equations थे, तो आ गया हमारा आंसर। तो इसमें हमने क्या फैक्ट यूज किया कि अगर मान लो x is equal to कोई भी वैल्यू दी हो, लेट्स से 5, अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट है, जैसे इधर क्या था हमारा क्यूबिक इक्वेशन थी, इसका रूट है, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, वही चीज हमने यूज किया। तो 1 और 2 इसमें रखा, उससे हमें एबीसी में दो रिलेशन मिले और एक रिलेशन ऑलरेडी दिया था, तो ओवरऑल हमारे पास तीन रिलेशन हो गए, और उन दिनों से हमने उन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली एबीसी की, उसमें से हमें बी पूछा था, तो आंसर इज 5। क्लियर है बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है? अभी हम थोड़ा कम लेवल गए, धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे लेवल पे, जैसे जैसे तुम लोग आईक्यू बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स इट, जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, आईक्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन माइनस पी इज अ रूट, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड इट्स रूट, देन फाइंड इट्स रूट्स. देखो अभी हमें जो क्वाड्रेटिक दिया है उसके रूट्स निकालने हैं मुझे, बट उधर एक पी एक पैरामीटर है, तो अगर पी की वैल्यू पता चल जाए, एक बार मुझे पी की वैल्यू पता चल गई तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक आ गया तो फिर मैं फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लूंगा. तो पी की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि 1 माइनस पी ना इस क्वाड्रेटिक का रूट है. और जैसे मैंने बोला, अगर एक बार हमें पता चल जाए कि एक्स इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करें, ये वाला वैल्यू जो रूट की वैल्यू है वो इधर एक्स की जगह रख देते हैं, सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो रूट है. तो मैंने लिखा एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1 माइनस पी रख रहा हूँ. तो सॉल्यूशन देखना, 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने 1 माइनस पी कॉमन लिया, तो क्या आया देखो इधर, 1 माइनस पी इसका बचेगा प्लस इसका पी बचेगा प्लस इसका 1 बचेगा इज इक्वल टू जीरो. तो ये पी से पी कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस पी जीरो हो रहा है, तब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो टू तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब डेफिनेटली पी 1 माइनस पी को जीरो होना पड़ेगा. तो इधर से 1 माइनस पी इज इक्वल टू जीरो आया, तो p की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1, p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू आ गई 1. अब हमने क्वाड्रेटिक में रख दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, मतलब x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस पी तो 0 हो गया p इज इक्वल टू 1 रखने पे. तो फाइनली हमें क्या, ये तो इसको तो हमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैसे लिखेंगे हम, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इधर से क्या आया, दो वैल्यू आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1. क्लियर है? तो इसमें तो हमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, कौन सा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, डायरेक्टली आई कैन से रूट्स आर जीरो एंड माइनस वन. क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा मूव करते हैं. उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं. अब देखना है, एक और मजेदार क्वेश्चन है. इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड, और एक और रिलेशन दे रखा है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha. तो वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं. तो देखो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार इसलिए है, सुनना रीजन, कि जैसे एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को मैं भूल गया, मैंने बोला कि लेट्स मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और मैंने बोला इसका रूट अल्फा, अल्फा इसका रूट है. तो जैसे अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन दिया होता है, फिर मैं बोलता हूँ अल्फा इसका रूट है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा इसमें सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. हम क्या करते हैं, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन आती है. इधर क्या करना है ना, हमें उल्टा जाना है, इधर हमें उल्टा जाना है. अब हमें एक रिलेशन दिया है, उससे पहले हम पहचाने हैं कि अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट है. सुनना क्रिटिकल बात क्या है, कि अभी तक हमें इक्वेशन दिया होता था और रूट दिया होता था, हम क्या करते थे, रूट इसमें रख के बोलते थे ये इक्वेशन ट्रू होगा, ठीक है. अब हमें उल्टा दिया है, अब क्या दिया उसने, अल्फा स्क्वायर, इसको मैं एक साइड लेके जा रहा हूं, माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इधर लिखा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसी का उल्टा, उल्टे से मेरा मतलब है, देखना इसको उल्टा कैसे सोचेंगे, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कंक्लूड करता हूं उसके बाद तुम लोग सोचना कि हाँ सही किया है या नहीं. मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स
प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ये ट्रू होगा। हम यहां से यहां जाते थे पहले, सोचो क्या लिखा मैंने, कहा इन दोनों इंक्लूजन, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री के रूट्स अल्फा और बीटा है। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट है। अब मैं सीधा सोचता तो क्या बोलता, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उससे मेरे को रिजल्ट क्या मिलता, अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, वो ये लिखा है। बीटा इसका रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस फाइव बीटा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो ये है। तो पहले तो हम सिंपल चीज करते थे, मतलब सीधी साइकिल चलाते थे कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब मैं बोल रहा हूँ अल्फा और बीटा, अल्फा में एक रिलेशन दे रखा है, उससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि अल्फा किस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो मुझे कंक्लूड मिला कि इस क्वाड्रेटिक का रूट है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इधर से मेरा क्या हो गया, बहुत आसान चीज हो गई कि अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ मैं, सम ऑफ रूट इज फाइव एंड अल्फा इंटू बीटा इज थ्री। बट मुझे अभी ये चीज नहीं पूछी है, मुझे जो चीज पूछी है वो अभी मैं लिखता हूँ, उस पर आता हूँ। मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक रूट इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये दोनों हैं। तो हमें एक बार रूट पता है तो हम इक्वेशन निकाल लें, तो क्या करते हैं, हम वाला फॉर्मूला वाली इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक जिसका सम इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट इधर लिखेंगे। तो सम में तो क्या आएगा मेरा, देखो सम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा। तो ये तो वन हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा, तो प्रोडक्ट की जगह तो वन आएगा। मेन मुझे ये निकालना है, ये निकालने के लिए आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन। कैसे, देखो एलसीएम लूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स, किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। I have to express this numerator in terms of sum of root and product of root so that I can use this information. तो देखना, इसको मैं लिखूंगा alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta upon alpha beta, नीचे लिखा है। क्लियर है बच्चों? मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। अब मैं अल्फा इधर से ये रख देता हूँ, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज 3 अपॉन अल्फा बीटा विच इज अगेन 3, तो ये हो गया 25 माइनस 6 19 बाय 3। तो आंसर क्या मिला, क्वाड्रेटिक क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस सम विच इज 19 बाय 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट विच इज 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। काफी स्ट्रेस दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, क्योंकि क्या है कि इसमें हम उल्टा जा रहे हैं, हम इक्वेशन एक रिलेशन दिया अल्फा में, उससे हम ये पहचान रहे हैं कि अल्फा किस क्वाड्रेटिक का रूट है, वही एक क्रिटिकल पॉइंट है इधर। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लिए मैक्सिमम के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे लिए, सो दैट अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम कल के लेक्चर में कुछ थियरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऑफकोर्स दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट, ठीक है, एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू एंड दैट थ्री इज रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट है थ्री, देन फाइंड अदर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड अदर रूट किसका, ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। मुझे इसका एक दूसरा रूट निकालना है, सुनना। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक रूट तो थ्री दे रखा है, इसका रूट है तो थ्री इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा थ्री में रखने पे, ए बी सी में।
दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने एक इक्वेशन ये दे रखी हमें, ये वाली एफ ऑफ फाइव इज माइनस थ्री एफ टू, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इससे भी मेरा क्या होगा एबीसी में एक रिलेशन आ जाएगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो लिखा हमने सोल्यूशन एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ फाइव मतलब क्या हुआ, जहां भी एक्स है उसके जगह फाइव रखा, तो फाइव रखूंगा तो क्या आ जाएगा ए इंटू फाइव स्क्वायर विच इज 25a, 25a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स के मैंने फाइव रखा है ना इसमें, तो 5b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू कैसे निकालेंगे, इसमें हर जगह टू रख देंगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा टू टू फोर, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। अब हम एक साइड लेके आते हैं सारे टर्म्स, तो फोर थ्री था ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व है इधर आके प्लस ट्वेल्व, और ऑलरेडी 25 दे रखा है, तो 37 12 25 प्लस 12 37 ए प्लस माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स इधर आके प्लस सिक्स, और इधर फाइव भी आया, तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इलेवन बी प्लस माइनस थ्री सी और प्लस सी, तो माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री और प्लस वन फोर, तो फोर सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अब ये तो हो गई मेरी एक एक रिलेशन एबीसी में, अब दूसरा रिलेशन कैसे आएगा, उसने देखा थ्री जो है वो इसका रूट है, इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने थ्री इसमें रख दिया, तो नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों से मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया पहले इस इक्वेशन को सो दैट इसके आसपास मेरे कोफिशियंट आ जाए, इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इक्वेशन को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने इसको इसको फोर से मल्टीप्लाई किया, तो आया 36 ए प्लस फोर थ्री द 12 बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू जीरो। लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल रहा हूँ, टू एंड थ्री वन एंड द सेम थिंग, बस उसको मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन थ्री, तो देखना 37 ए माइनस 36 ए, 11 बी माइनस 12 बी माइनस बी, 4c माइनस 4c जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो जीरो। तो इधर से मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू बी, बहुत ही अच्छा रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू बी। अब क्या करें हम c निकालने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो लेट्स से मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो मेरा इधर से क्या आया 9a प्लस और a की जगह b की जगह a ही रख रहा हूँ, मैं सब कुछ a के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, सब कुछ मैं a के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, तो ये जगह 3b मतलब 3a प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो c कितना आया, c इज इक्वल टू माइनस 12a, तो मेरा a b भी a के टर्म्स में आ गया, c भी a के टर्म्स में आ गया। अब मैं इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, इतने पार्ट को रब कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इतना पार्ट कॉपी करो, मैं ये फैक्ट अभी यूज करूंगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, देखना क्या किया मैंने, जो क्वाड्रेटिक थी वो लिख लिया दोबारा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो मेरा क्या आ जाएगा a, a की जगह a रहने दिया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स, b इज इक्वल टू a तो प्लस ए एक्स प्लस सी, और c कितना है माइनस 12 a इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें से a मैंने बाहर फेंक दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स निकाल लो, तो एक तरीका तो क्या है ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, कि सम ऑफ रूट इज माइनस वन प्रोडक्ट इज माइनस 12, तो सम माइनस वन कब आएगा और प्रोडक्ट 12, तो माइनस फोर एंड थ्री माइनस फोर, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस फोर एंड थ्री। इस ए का कोई दिक्कत नहीं, ए को तो मैं जीरो के पास कभी भी भेज सकता हूँ, ए क्योंकि इक्वालिटी है ना, इन इक्वालिटी तो है नहीं कि साइन चेंज होगा, तो ए को तो मैं जीरो के पास भेज दिया। उसके बाद मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक होगी हमारी, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स माइनस, क्योंकि सम देखो सम इज माइनस वन माइनस वन, प्रोडक्ट इज माइनस 12 माइनस 12, तो पक्का करेक्ट है, नहीं तो तुम कैसे करो इसको ऐसे करो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, तो प्लस हो जाएगा 48 अपॉन 2, तो इधर से क्या है माइनस 1 प्लस माइनस 49 व्हिच इज 7 बाय 2, तो प्लस साइन लोगे व्हेन यू विल टेक प्लस साइन यू विल गेट 7 माइनस 1 6 बाय 2 व्हिच इज 3, व्हेन यू विल टेक नेगेटिव साइन तो माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 बाय 2 व्हिच इज माइनस 4, तो देखा यही हमारे वैल्यूज आए, सो दीस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं इसको लेक्चर को, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, और एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एंड सभी को करना है वो ट्राई, ठीक है ना, पूरा एनर्जी के साथ, जितना भी टाइम लगे दैट इज अ इन्वेस्टमेंट, वेस्ट नहीं होगा। अगर मान लो आंसर भी नहीं आता है तो दैट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, दैट विल बी अ इन्वेस्टमेंट, उससे तुमने कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अगर आंसर नहीं भी आया और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ,
थोड़ा सा ध्यान से देख, ध्यान से सॉल्व करना, हल्का सा अलग है, ज्यादा नहीं है। दिस विल योर होमवर्क क्वेश्चन। अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री थ्री मतलब एक्स क्यूब टाइप, एक्स क्यू प्लस वो सब वगैरह, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, डिग्री टू का पॉलिनोमियल, क्यूबिक को क्या बोलेंगे, डिग्री थ्री वैनिशेस। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग है, जो अभी हमने पढ़ा उससे अलग है थोड़ा। वैनिशेस व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। वैनिशेस मतलब जीरो होना, ठीक है ना। वैनिशेस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड हैज द वैल्यू, एंड हैज द वैल्यूज, एंड हैज द वैल्यूज 4 एंड 28 when x is equal to -1 and x is equal to 2 respectively, then find value of polynomial at x is equal to 0, ठीक है। सो ये होगा तुम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इतना काफी है आज के लिए। अब हम इसके बाद कल थोड़ा कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे। आज हमने पूरा लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल्स देखे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है किसी भी न्यूमेरिकल में, या फिर यू वांट टू सजेस्ट सम अल्टरनेट अप्रोच, ठीक है, फील फ्री, मतलब तुम बिल्कुल बिंदास मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। मुझे अगर तुम्हें कोई अगर अल्टरनेट अप्रोच आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और तुम्हें लगता है कि वो उससे भी अच्छा मेथड है, तो मुझसे कंफर्म करो, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।